हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर बीएससी सेकंड ईयर एंड आल्सो फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपका पार्ट वन रहने वाला है। इसमें मैंने आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है आपके मिक्स कर रखे, तो मिक्स करके क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। जैसे आपके कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, फिर इसमें आपको कुछ सिंथेटिक डाइस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कुछ आपके अमीन्स के क्वेश्चन भी है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर तीन कन्वर्जन दे रखी है, तीनों आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है। तो पहली कन्वर्जन क्या है, बोला है टू ब्यूटेनॉल आपको बनाना है फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन अगर हम देखें तो इसको हम इथाइन भी यहाँ पर कहते हैं। इथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन होता है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यही होता है आपके पास इथाइन। तो इस समय बनाना है क्या, इस समय यहाँ पर टू ब्यूटेनॉल यहाँ पर फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म होगा देखते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है तो टू ब्यूटेनॉल फॉर्म करना है। तो मतलब क्या करना है, देखो चार आपके पास कार्बन है और सेकंड पोजीशन में क्या आना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। ये हम यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल डिहाइड में, सी एच थ्री सी एच हो गया, ठीक है। अब इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो आपका H2SO4 की प्रेजेंस भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड या HGSO4 की प्रेजेंस भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मैंने सिंपल यहाँ पर इस ये वाला साइन दिखा दिया, इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीडेशन हो रखा है, क्लियर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर ये दिखा सकते हो या कोई आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पर शो कर सकते हो, लाइक H2SO4 या HGSO4। आपको मिल गया यहाँ पर एसिटल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, देखो अभी आपके पास यहाँ पर दो कार्बन है, हमें चाहिए क्या, यहाँ पर चार कार्बन चाहिए, तभी तो आपका ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम C2H5MgBr लेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जो MgBr वाला पार्ट है ये आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा और कार्बन भी क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम। तो अब जो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट है ये जाएगा आपका इस कार्बन पॉजिटिव के पास, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पोलर है कार्बन ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये आपका ऊपर शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका अटैक करेगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, अलाइन चार्जेस आपके यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे, और जो आपका एम जी बी आर है ये आपका चले जाएगा ओ नेगेटिव के पास। तो क्या बनने वाला है, देखो ये सी एस थ्री आपका ऐसे ही रहा, ये वाला कार्बन आपका ऐसे ही रहा, ओ पे नेगेटिव है, एम जी बी आर उसके पास जाएगा, ये आपके पास पॉजिटिव है एम जी बी आर, और यहाँ पर क्या आएगा देखो C2H5, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपके पास ऐसे ही है, ठीक है। और ये आपको मिल गया एक अडक्ट जो अनस्टेबल होता है, आप इसे एडिशन प्रोडक्ट भी कह सकते हो। तो इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो होगा क्या यहाँ पर देखो, ये बन जाएगा आपके पास CH3 C2H5, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और क्या निकला आपका बाहर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ये सब हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देखे हुए, तो वन शॉट में मैंने उसको कंप्लीट आपका कराया था, वो एक वीडियो आप देख लेना, 34 मिनट की वीडियो है, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे कन्वर्जेंस होते, कैसे आपकी मैकेनिज्म यहाँ पर होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला है, हमें यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनाना है फ्रॉम एसिटिलीन। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास इथाइन है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इस समय टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनाना है। तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, हमें यहाँ से यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर दो कार्बन है और यहाँ पर आपके पास चार कार्बन है, ठीक है। तो देखो कैसा होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा देंगे सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ। तो इससे होगा क्या, एक आपको दूसरी बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो आपका एसिटिलाइन है ये आपका एसिडिक होता है। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये जो एच है ये आपका रिएक्टिव है, ये आपका एसिटिक प्रोटॉन है। एसिडिक प्रोटॉन इसलिए है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है आपका बॉन्डेड है इस कार्बन एटम के साथ जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा है, तो ये क्या आपका यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए हुआ क्या, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के शेड प्रूफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन आपका वीक बन जाएगा, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है आपका वीक बन जाएगा, तो मतलब हाइड्रोजन की आपके यहाँ पर एसिडिक है, ठीक है। तो इसका निकलना आपका बहुत आसान हो जाएगा इस एच का, इस हाइड्रोजन का या इस प्रोटॉन का, ठीक है। तो इससे बनेगा क्या, देखो यहाँ पर आपका क्या, ये हाइड्रोजन है तो यहाँ से आपका अमोनिया निकल गया अलग से, और क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव और Na पॉजिटिव, क्लियर हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ।
तो जब यहाँ पर हम CH3Br के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से होगा क्या, Br पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ से आपका NaBr अलग हो गया और मिलेगा क्या आपको CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या आएगा CH3। ये चीज़ बन गया यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास तीन कार्बन आ गए फ्रॉम टू कार्बन्स। अब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसी की प्रेजेंस में करा सकते हो H2SO4 या HGSO4, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एसीटोन मिल जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। जैसे यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन करवाया था तो आपको एसीटाइल्डिहाइड मिला था, तो उस समय आपके दो कार्बन थे, यहाँ पर आपके तीन कार्बन है तो एसीटोन मिलेगा। तो इसके बाद क्या होगा, अगेन यहाँ पर आप करा दो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, दैट इज CH3MgBr, क्योंकि तीन कार्बन तो ऑलरेडी है, एक हमें चाहिए यहाँ पर, और इसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली जो आपको कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा वो मिलने वाला है CH3C, CH3CH3 और OH। सिमिलर जैसे हमने ऊपर वाले कन्वर्जन में किया था, यहाँ पर वैसे आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका कन्वर्जन होगा। थर्ड देखो क्या है, आपको यहाँ पर प्रोपायोनिक एसिड बनाना है फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो हमारे पास यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या है, CH3MgI है, और प्रोपायोनिक एसिड क्या है, CH3CH2COH ये है, ठीक है। यहाँ से हमें ये यहाँ पर कन्वर्ट करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यहाँ पर आपके पास एक ही कार्बन है और यहाँ पर आपके पास तीन कार्बन है, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इथाइल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमने रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था, इथाइलिन ऑक्साइड यहाँ पर हम लेंगे, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड है, ये हमने वहाँ पर पढ़ा था ईथर्स एंड इपोक्साइड्स पे, रिएक्टिव होते हैं इथाइलिन ऑक्साइड्स आपके ड्यू टू स्ट्रेन कॉन्फिगरेशन, जो हमने BS स्ट्रेन थ्योरी में भी देखा था। तो होगा क्या, यहाँ पर इजीली यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आपका MgI है आपका पार्शियल पॉजिटिव है और ये जो कार्बन है आपका पार्शियल नेगेटिव है, तो जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आपका ओ नेगेटिव के पास जाएगा और जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका कार्बन पॉजिटिव के पास जाने वाला है। तो क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा आपके पास CH3CH2CH2OMgI, ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। कैसे मिला, ये जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है ये गया किसके पास, इसके पास गया, और जो MgI वाला पार्ट है ये आपका गया इस ऑक्सीजन नेगेटिव के पास, जब ये आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो क्या होगा देखो, CH3 तो ये रहा, CH2 आपका ये रहा, CH2 ये रहा, और OMgI आपका यहाँ से आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद करा दो इसका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिंपल अल्कोहल मिल जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बनाना है क्या, हमें यहाँ पर प्रोपायोनिक एसिड बनाना है। अभी हमारे पास प्रोपेनॉल है, हमें पता है कि हम अल्कोहल से एसिड कैसे बनाते हैं, जब आपका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन करवा लो, सिंपल मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा आपको CH3CH2 और COH, तो ये आपका बन गया यहाँ पर प्रोपायोनिक एसिड। आप चाहो तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, क्योंकि ये आपका कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर मैंने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लेविस एसिड H पॉजिटिव, या कोई भी आप ले सकते हो H पॉजिटिव, HCl या H2SO4, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कन्वर्जन होने वाली है, तीनों आपकी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजन के अंदर आपकी आती है। इसके बाद इस वीडियो के बाद यहाँ पर हम और भी कन्वर्जन देखेंगे और पार्ट्स में, तो अभी तक हम ग्रिगनार्ड का इतना ही लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आता है वो है, व्हाट आर क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आता है सिंथेटिक डाइस के अंदर, या डाइस और कलर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी तो हम एक ही क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं इसका, सिंथेटिक डाई का। इस वैसे इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, बहुत क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस पे देखेंगे। अभी हम याला क्वेश्चन लेते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके। तो जो आपका एक क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर आपके दो वर्ड से यहाँ पर बन रखा, पहला आपका यहाँ पर क्रोमो है जो आपका ग्रीक वर्ड से आ रखा है क्रोमा, क्रोमा को हम बोलते हैं यहाँ पर कलर, और जो आपका ये फोर है फॉरेन, ग्रीक में होता है फॉरेन, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर टू बियर, कुछ बियर करना, ठीक है। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं, ये आपके कलर बियरिंग ग्रुप्स होते हैं, ये आपको वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको कलर देखने को मिलेगा, तो जो कलर आपका मिलता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें आपके सर्टेन मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं, इससे डबल बॉन्ड और आपको कंजुगेशन देखने में मिलेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर एक क्रोमोफोर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब दे आर कलर बियरिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे,
द कलर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स। मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे वाले जो होते हैं वो आपके मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स है, जहाँ पर आपको कंजुगेशन मिल रहा है, ठीक है। तो वो वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोफोर। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्रोमोफोरिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपका पैराक्यूनॉइड आता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा होता है, ये आपका पैराक्यूनॉइड है। फिर आपका नाइट्रो ग्रुप आता है, ये भी आपका यहाँ पर क्रोमोफोर है। फिर आपका नाइट्रोसो ग्रुप आता है, एन डबल बॉन्ड ओ। फिर आपका एजो ग्रुप हो गया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर है, एजो ग्रुप हो गया। तो ये जितने भी आपके सब आपके क्रोमोफोरिक ग्रुप है, कलर बियरिंग ग्रुप्स, ठीक है। किसी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे तो ये आपके यहाँ पर कलर बियर करेंगे उस कंपाउंड पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका जो क्रोमोफोर पे, यहाँ पर एक चीज़ की कंडीशन आपकी नेसेसरी होती है कि आपका यहाँ पर उस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर टू नाइट्रो नेप्थलीन है, यहाँ पर हम यहाँ पर कंपाउंड ले रहे टू नाइट्रो नेप्थलीन, ठीक है। अब इसका जो कलर होता है ये आपका होता है येलो कलर का। ये इसलिए हो रहा है आपका येलो कलर का क्योंकि इसमें आपका कंजुगेशन देखने को मिल रहा है इस कंपाउंड पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंजुगेशन भी नेसेसरी है क्रोमोफोर के अंदर। तो क्लियर हो गया क्रोमोफोर क्या होते हैं, दे आर कलर बियरिंग ग्रुप्स। ये आपको सर्टेन जो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स क्या होते हैं। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स आगे आपके खुद पे कलर प्रोड्यूस नहीं करते, ये जब आपके क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते तब ये आपके कलर को और डीपन कर देते और इंटेंसीफाई कर देते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑक्सो का मतलब है, ये जो आपको ऑक्सो यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको ऑक्सिनिन से आ रखा है ग्रीक वर्ड से, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना कलर को। और क्रोम का मतलब क्या हो गया, कलर हो गया, या क्रोमा का मतलब हो कलर हो गया। तो ये कलर को इंक्रीज कर दे जब ये किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ये आपके वो ग्रुप्स होते हैं जो आपके खुद पे कलर प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन जब ये किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो उनका कलर वहाँ पर इंटेंसीफाई कर देते और कलर को डीपन कर देते, ठीक है। अब आपके ऑक्सोक्रोम दो टाइप के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते। अब जबकि आपके एसिडिक याले होते हैं, ये आपके जैसे हाइड्रोक्सी हो गया, फिर आपका सल्फोनिक एसिड आता है या कार्बोक्सिलिक है, ये सब आपके क्या एसिडिक ऑक्सोक्रोम्स है। बेसिक भी होते हैं जैसे आपके अमीनो हो गया NH2, फिर आपका इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं NHR हो गया या NR2 हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये सब आपके बेसिक ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोफोरिक और ऑक्सोक्रोमिक में बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये अमीन से, डिस्कस द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। हम दो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपका एलिफैटिक अमीन्स की जो बेसिक नेचर होता है और दूसरा आपका जो एरोमेटिक अमीन्स का बेसिक नेचर होता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर अमीन्स होते हैं ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। इसलिए आपके बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि इसमें आपका नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पर किसी भी प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पर अमीन है RNH2, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है नाइट्रोजन, हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास अमीन है। तो ये किसी भी एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस प्रोटॉन पे अटैक करेंगे, यहाँ से Cl को निकाल देंगे और यहाँ पर क्या बना देंगे आपका एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, कुछ ऐसा, नाइट्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया आपके पास यहाँ पर एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम किसके वजह से बता रहे हैं यहाँ पर बेसिसिटी अमीन्स की, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपके यहाँ पर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी भी एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके एक सॉल्ट यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर बेसिस होते हैं, या बेसिस आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक आपका वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पर पानी पे एक्वस सॉल्यूशन पे जो आपके कंप्लीटली यहाँ पर आयोनाइज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस क्या होते हैं, वीक बेसिस जैसे अमीन आपके क्या यहाँ पर वीक बेसिस है, तो ये क्या करेंगे, ये आपके पार्शियली आयोनाइज यहाँ पर करेंगे, अमीन्स आपके पार्शियली आयोनाइज करते, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते। इसमें आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो रिएक्शन भी किस तरीके से होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर अमीन है RNH2, ठीक है, तो पानी पे है तो H2 हम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म पे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर RNH3 पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, दैट मीन्स दे आर वीक बेसिस। ये आपके आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म के बीच में आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, ये आपको यहाँ पर NA पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको एक्वस सॉल्यूशन पे देगा, सिमिलरली आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
के प्लस ओ एच नेगेटिव ही आपको यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन पे देगा, लेकिन अमीन्स आपके वीक बेस होते हैं तो पार्शियली आयोनाइज करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके का। अभी आपका आयोनाइजेशन किस एक्सटेंट तक हुआ है इसको हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से बताते हैं, जिसे हम यहाँ पर शो करते हैं किससे, के बी से। के बी हमें बताता है कि किस एक्सटेंट तक आपका यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रखा है उस बेस का, ठीक है। इसे हम बेसिसिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं के बी को, ये आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। इसे हम बेसिसिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आयोनाइजेशन इन मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाई द कंसनट्रेशन ऑफ द अनआयोनाइज बेस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर होगा के बी किसके इक्वल, आर एन एच थ्री पे पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ओवर कंसनट्रेशन किसका, जो आपका अनआयोनाइज है, मतलब आर एन एच टू, वाटर नहीं लेते, वाटर का यहाँ पर हम वन लेंगे। तो यह होता है आपके यहाँ पर बेसिसिटी कॉन्स्टेंट। तो आपका यहाँ पर जो बेसिसिटी कॉन्स्टेंट है बताएगा क्या, ये आपके वीक बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताएगा कि कितना आपका वो वीक बेस स्ट्रांग है, कितना वो आयोनाइज कर सकता है। तो जो आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बेस होते, जो आपके स्ट्रॉन्गर बेसिस होते, उनका जो आपका बेसिसिटी कॉन्स्टेंट होता है वो आपका ज़्यादा होता है, जो वीक बेस होते हैं उनका बेसिसिटी कॉन्स्टेंट कम रहता है। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की यहाँ पर बात करेंगे जब हम बेसिसिटी कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तो इन मोल्स पर लीटर। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, क्यों आपके जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं ये आपके अमोनिया से स्ट्रॉन्गर होते हैं। एलिफेटिक अमीन्स मतलब जो आपके आर एन एच टू हो गया, या फिर आपके यहाँ पर आर टू एन एच हो गया, इस तरीके जो आपके यहाँ पर रहते हैं ये आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस क्यों होते हैं देन अमोनिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों होते। अगर यहाँ पर बात करें एलिफेटिक अमीन्स की, अगर मैं यहाँ पर आर एन एच टू लूँ, ये मेरे पास आर एन एच टू है, एलिफेटिक अमीन्स वन डिग्री अमीन है, तो यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरी तरह अगर मैं यहाँ पर अमोनिया लूँ दैट इज़ एन एच थ्री, यहाँ पर भी क्या आपके पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर हम वन डिग्री अमीन पे देखें या एलिफेटिक अमीन पे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आपके पास एल्काइल ग्रुप भी है। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस नाइट्रोजन को ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, या आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा होगा पीएससी फर्स्ट ईयर और क्लास इलेवंथ पे। तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो आपके एल्काइल ग्रुप है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे किसको, नाइट्रोजन को। तो इलेक्ट्रॉन जब आपके रिलीज करेंगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका और अवेलेबल होगा किसी लेविस एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे, सॉल्ट फॉर्म करने पे। जबकि यहाँ पर आपका क्या हाइड्रोजन है, तीनों जगह आपके हाइड्रोजन है, कोई आपके एल्काइल ग्रुप्स है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपका यहाँ पर बॉन्डेड है ही नहीं नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर ये जो आपके लोन पेयर है ये आपके लेस अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। जबकि यहाँ पर आपका क्या, ये मोर अवेलेबल है, दे आर मोर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है। ऐसे अगर मैं दो एल्काइल ग्रुप्स लगा दूँ तो वो आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होंगे, और अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए। मतलब अगर मेरे पास ये चीज़ हो, अगर मेरे पास आर एन एच और आर कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पर क्या मेरे पास दो एल्काइल ग्रुप आ गए, या आपका टू डिग्री क्या है अमीन है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास दो एल्काइल ग्रुप आ गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है और यहाँ पर रिलीज कर रहा है कार्बन, एल्काइल ग्रुप आपके और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे नाइट्रोजन को, तो यहाँ पर जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, ये आपका मोर अवेलेबल है और अच्छे से अवेलेबल है बॉन्डिंग करने पे देन वन डिग्री अमीन, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात करूँ ट्राई एल्काइल अमीन की, अभी मैं यहाँ पर वन डिग्री की बात कर रहा था, यहाँ पर मैं टू डिग्री की बात कर रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पर थ्री डिग्री एल्काइल अमीन्स की बात करूँ, ट्राई एल्काइल अमीन्स की, तो उसमें क्या होगा मेरे पास तीनों जगह क्या होगा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप्स है। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, लेकिन यहाँ पर अभी आपका बल्किनेस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग प्रोड्यूस हो चुकी है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर का अटैक करना किस पे, किसी लेविस एसिड में, वो ज़रा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक क्राउडिंग टाइप की हो चुकी है, यहाँ पर इस तरह से क्राउडिंग हो चुकी है, तो लोन पेयर यहाँ पर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको, किसी भी प्रोटॉन को या किसी भी लेविस एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास ट्राई एल्काइल अमीन्स है, इनकी जो आपकी वो है बेसिसिटी है, वो आपकी क्या है, कम है देन टू डिग्री अमीन्स देन वन डिग्री अमीन्स, लेकिन फिर भी ये अमोनिया से क्या है, ये आपके ज़्यादा बेसिक रहते हैं, कौन, ट्राई मिथाइल अमीन्स। तो आपको यहाँ पर एलिफेटिक अमीन्स में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो आपके यहाँ पर टू डिग्री अमीन्स होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि इसमें आपके दो एल्काइल ग्रुप्स है, प्लस आई इफेक्ट आपका लग रहा है, फिर आपके वन डिग्री होंगे सबसे ज़्यादा बेसिक, ठीक है। फिर आपके थ्री डिग्री होंगे, क्योंकि इसमें आपका तीन एल्काइल ग्रुप्स है, तो बल्किनेस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपका इतना इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा प्रोटॉन को, और सबसे लास्ट में आपकी ये जो है अमोनिया है NH3, ये सबसे कम बेसिक यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीज़न है कि वाई एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। तो अभी तक हमने यहाँ पर बात करी किसकी, एलिफेटिक अमीन्स की। सिमिलर केस हम बात करेंगे यहाँ पर एरोमेटिक अमीन्स का भी।
तो यहाँ पर अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, इसको हम बहुत शॉर्ट में यहाँ पर देखते हैं एरोमेटिक अमीन्स को, ये आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपके जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ये आपके लेस बेसिक होते हैं देन एलिफेटिक अमीन्स। ये भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि वाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। देखो एलिफेटिक अमीन्स में क्या हो रहा था, उसमें हमारे पास क्या था, आर एन एच टू था। यहाँ पर जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये आपके क्या थे, लोकलाइज्ड थे, एक ही जगह पर थे। लेकिन एरोमेटिक अमीन्स में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्या एनिलीन है, एनिलीन मेरे पास है, नाइट्रोजन मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्लस आर इफेक्ट शो हो रहा है, तो रेजोनेंस होगा आपका यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर रिमूव करेंगे तो रेजोनेंस होगा, तो आपके यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज पर डीलोकलाइज करेगा। इसका रेजोनेंस हमने देखा एनिलीन का अमीन्स वाले चैप्टर पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर आपके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके पूरे रिंग पर डीलोकलाइज हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा ऐसा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें पूरा क्या हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज आपका पूरा डीलोकलाइज हो रहा है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कम अवेलेबल है, यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है कि ये आपको ये दिखा रहा है कि आपके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके उसका डीलोकलाइजेशन हो चुका है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपके जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ये आपके लेस बेसिक होते हैं देन दिस एलिफेटिक अमीन्स, क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके डीलोकलाइज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके एलिफेटिक अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके लोकलाइज्ड है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या समझनी है, अगर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाते हैं इन बेंजीन रिंग्स पे, तो इनके बेसिसिटी पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर मेरे पास NH2 है, एनिलीन हमने यहाँ पर लिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया आपका CH3 दैट इज़ मिथाइल ग्रुप, और दूसरी जगह मैंने यहाँ पर लगाया क्या आपका, इस पोजीशन पे लगा दिया मैंने NO2 ग्रुप। तो ये जो आपका आपका मिथाइल ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और जो आपका NO2 ग्रुप है ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, ये आपके इस बेंजीन रिंग को इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर और अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप लग चुका है, प्लस आई इफेक्ट आपका यहाँ पर शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये इस बेंजीन रिंग पर। अगर इस बात की इसकी मैं बात करूँ NO2 की, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन से खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके कम अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इसकी बेसिसिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है देन दिस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है पैरा नाइट्रो एनिलीन की आपकी जो बेसिसिटी होगी वो कम होगी देन दिस पैरा टोलिडाइन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आपका इलेक्ट्रो रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है तो क्या आपका फर्क पड़ रहा है यहाँ पर बेसिसिटी पे। तो क्लियर हो गया, अभी हम इतना ही रखते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको नोट्स प्रोवाइड में करते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।